हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में 3.0 यूएसबी पोर्ट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ जो है अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको कम्प्लीट कीजिए, इंस्टॉल कर आप उसको कम्प्लीट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल अपडेट, तो यहाँ पर मेरे पास अभी 0 अवेलेबल बता रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर अपडेट है तो आप इस पर क्लिक कर यहाँ पर आप इसको अपडेट कीजिए। आपके पास अपडेट जो है पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर लेते हैं। फिर दोस्तों, आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर, तो इस ऑप्शन को आपको डबल क्लिक करना है, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूएसबी रूट हब यूएसबी 3.0 ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के ड्राइवर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ड्राइवर जो है यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आप इस विंडो को भी क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपके पास यूएसबी 3.0 पोर्ट जो है ठीक से वर्क करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।